हेलो गाइस, स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। गाइस, जैसा कि हम लोग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं तो मैं जल्दी धो नहीं पाता। अरे यार, धो नहीं पाता का मतलब कपड़ा नहीं धो पाता अपना। तो आज आए थे घर पे और सारा कपड़ा धुल गया है। मैंने भी थोड़ा बहुत धोया, मैंने खाली वो जूता वहाँ पे टांगा गया उसको धोया और बाकी सारे कपड़े को तन्नू ने धोया है। देखिए यहाँ पे है और ये कथरी गाइस धो रही है, जो कि रोली की मम्मी ने दी थी दसाने वसाने के लिए, लेकिन अब उसका काम नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ धो के दे देता हूँ। वो सी थी बेचारी नई, तो उसको भी धो रहा हूँ। और गाइस, एक चीज़ और आसमान में कुछ नई देखने को मिली है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। अभी भी मैंने भी देखा, दो एक लोग ने स्टेटस लगाया था तो ज्योति दी भी बार बार झांक रही थी बाहर निकल के कि यार ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सूर्य भगवान ऐसे हैं और गोला गोला सर्कल है। अब मतलब ऐसे बनाने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलो मैं दिखाता हूँ। और यहाँ से तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ से अच्छे से दिख नहीं रहे। हो सकता है ये देखिए, ये सर्कल आपको दिख रहा है ना, तो यही सर्कल मैं अभी दूर जाके वहाँ खेत से दिखाता हूँ तो वो सर्कल आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य भगवान है और पूरा सर्कल बना हुआ है, जैसे कि रेनबो उड़ा है उनके आरी आरी चारों तरफ। तो पहले चलते हैं खेत में और आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइज, अब फाइनली मैं खेत में आ गया हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे घर के सामने वाला खेत है और यहाँ से प्रॉपर तरीके से जो सूर्य भगवान है वो दिख रहे हैं और जो उनका सर्कल बना हुआ है वो दिख रहा है। हालांकि ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है कि ग्रहण लगा है कि क्या हुआ है या किसी भी प्रकार की न्यूज़ नहीं, लेकिन वो सर्कल बना हुआ है। अब किस प्रकार से बना हुआ है पता नहीं, तो चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई। ये देखिए गाइज, देख सकते हैं ये रहे सूर्य भगवान और ये चारों तरफ आप सर्कल देख सकते हैं बना हुआ है पूरा चारों तरफ। और मैं एक इमेज भी अभी खींच के दिखा देता हूं आप लोगों को, वो भी समझ में आ जाएगा। धूप में मुझे गाइस सूर्य भगवान के देखने पे ऐसे चौंधी आ रही है, आंख में आंस भी आ गई। तो मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये सर्कल बना हुआ है, बीच में सूर्य भगवान है और चारों तरफ ऐसा कुछ गोले प्रकार का सर्कल बना हुआ है। तो ये किस लिए है पता नहीं, अब आगे हो सकता है न्यूज़ वगैरह में आए। फिलहाल अभी सब लोग स्टेटस लगा रहे हैं, ग्रहण वगैरह होगा तो सूर्य भगवान के साइड देखना नहीं चाहिए। फिलहाल मैंने देख लिया, जाने अनजाने में गलती हो गई है। तो फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं छांव में क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और ये जो हमारी प्याज का खेत में लगा था प्याज, तो अभी इतना छोटू सा है, बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है। और मेरे जो कपड़े वगैरह थे सब धुल गए कल, मान लो स्कूटी और कार वगैरह भी धुल गई थी, एक रोहित धोया था एक मैं। और चलते हैं खाना पीना खाते हैं। तो गाइस, अब मैंने आप लोगों को सर्कल दिखा दिया और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो एक्टिव रहते हैं, क्या हो रहा है हम लोग तो जल्दी ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन कुछ लोग हैं आसमान में क्या हो रहा है, कोई प्रतिमा बन रही है, बजरंग बलिक बन रही है, शंकर भगवान बन रही है, काफ़ी सारे वायरल वीडियो आते रहते हैं, तो ऐसे ही बादल में बनते रहते हैं। लेकिन ये भी मैंने नहीं देखा था, मैंने भी अभी देखा तो ज्योति दीदी को किसी ने बताया कि बाहर जाके देखो सूर्य भगवान पे कुछ सर्कल वगैरह बना है। तो ये सूर्य भगवान को देख रही थी लेकिन वो सर्कल काफ़ी ज़्यादा राउंड में है तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो दो बार देख के गई तो तन्नू बोली कि यार ये क्या पगलन की नहीं है, उपना देखा था। तो मैं अपने कैमरे से जब खींचना चाहा तब देखा कि अरे सर्कल बना हुआ था। ये इमेज आप लोग देखिए जी गाइज, ये मैंने अपने कैमरे से खींचा तो वो सर्कल बना हुआ आया। तो मैंने भी आप लोगों को दिखाना चाहा और व्लॉग स्टार्ट करना नहीं चाह रहा था फिलहाल, लेकिन कर दिया और आप लोगों को दिखा भी दिया। और अभी यहाँ पे कथरी जो है वो धुल रही है तो उसको भी मैं थोड़ा सा पैर वैर से सही कर लेता हूँ और साफ़ हो जाएगी। काफ़ी दिन से टांगी थी गाइज, गंदा हो गया है। तीन कथरी है, तीनों धोना पड़ेगा। धो के फिर गाइस अभी हम लोग निकलेंगे और हम लोग को एक जगह जाना है, वो ब्लॉग हो सकता है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब फटाफट से धो लेते हैं कथरी, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अब फाइनली कथरी भी धो दिया और वहाँ मतलब सामने बांस था वहाँ पे हमने डाल दिया है कथरी। अब सूख जाएगी तो वो भी ले जाने में आराम रहेगा। और अभी मैं आ गया हूँ किचन में और अब चलेंगे पियेंगे मट्ठा। भैंस तो गाइस काफ़ी कम दूध दे रही है, तो पहले तो जैसे जैसे अंगेठी में मतलब बैठाया जाता था अब वैसे ही टोप वगैरह में रखा गया है। तो अब चल रहे हैं फटाक से माठा पियेंगे और खाना तो मैंने अभी अभी खाया जस्ट, तो चलते हैं माठा पीते हैं। तो अब फाइनली कथरी भी धो दिया और वहाँ मतलब सामने बांस था वहाँ पे हमने डाल दिया है कथरी। अब सूख जाएगी तो वो भी ले जाने में आराम रहेगा। और अभी मैं आ गया हूँ किचन में और अब चलेंगे पियेंगे मट्ठा। भैंस तो गाइस काफ़ी कम दूध दे रही है, तो पहले तो जैसे जैसे अंगेठी में मतलब बैठाया जाता था अब वैसे ही टोप वगैरह में रखा गया है। तो अब चल रहे हैं फटाक से माठा पियेंगे और खाना तो मैंने अभी अभी खाया जस्ट, तो चलते हैं माठा पीते हैं। तो गाइज ये रहा माठा। और गाइज याद हो कि यहाँ तो माठा ही सब कुछ रहता है, दूध दही माठा ही। तो अब पीते हैं माठा। तो गाइज फाइनली मैंने माठा भी ले लिया और दरवाजे को कर देते हैं बंद और अब पीते हैं माठा। मस्त गाइज, माठा वगैरह पी लो खाने खाने के बाद ना, मस्त लगता है।
और जैसा कि मैं हूँ यादव, और यादव जी के यहाँ भैंसिया और मठवा दुधवा ये सब तो होता ही है। दूध गाइस मुझे कम अच्छा लगता है, लेकिन छाछ अच्छा लगता है, लस्सी भी अच्छी लगती है, लेकिन ये दूध जैसे कच्चा नहीं पीता मैं, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं पीता, और कभी पीता भी हो ना तो गुड़ वगैरह के साथ खा के पीता हूँ, और रोटी भी कभी दूध रोटी नहीं खाया हूँ मैं जल्दी। गाइज मुझे लगता है ना माठा पी लिया तो मेरी बुद्धि खुल गई, और मुझे कुछ मिला है जो ये सर्कल बना हुआ था सूर्य भगवान के आसपास, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं पढ़ भी रहा हूँ और आप लोग को साइड में देखने को मिल जाएगा तो आप लोग पढ़ ले रहिएगा। इसमें लिखा है कि 22 डिग्री का प्रभाव मंडल एक वायुमंडलीय ऑप्टिकल घटना है जिसमें सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर लगभग 22 डिग्री की स्पर्श त्रिज्या वाला प्रभाव मंडल होता है। जब चंद्रमा के चारों ओर दिखाई देता है तो इसे चंद्रमा की अंगूठी, तूफान की अंगूठी या फिर शीतकाल प्रभाव मंडल के रूप में जाना जाता है। गाइज इसमें मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये चंद्रमा के लिए लिखा गया है शायद, लेकिन अभी सूर्य भगवान के साइड बना था तो उसके बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि ये दिया है। इसमें बता रहा है कि चंद्रमा के चारों ओर अगर ऐसा रिंग बनता है तो वो चंद्रमा की अंगूठी या फिर तूफान की अंगूठी कहा जाता है, या शीतकाल प्रभाव मंडल यानी कि तूफान वगैरह के बारे में संकेत दे रहा है। उसके बाद इसमें लिखा है गाइस, यह सूरज की रोशनी या चांदनी के रूप में बनता है जो वातावरण में निलंबित लाखों हेक्सागोनल बर्फ के क्रिस्टल से अपवर्तित होता है। इसकी त्रिज्या मोटे तौर पर हाथ की लंबाई पर फैले हुए हाथ की लंबाई है। गाइस इसके बारे में तो मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खाली इतना समझ में आ रहा है जो हेक्सागोनल बर्फ के क्रिस्टल हैं गाइस, ये ठंडी के बारे में बात हो रही है कि जो चंद्रमा के चारों ओर ऐसा कुछ बनेगा शीतकाल में तो तूफान आने का या फिर बर्फीला संकेत हो सकता है, लेकिन ये गाइस सूर्य के ऊपर था तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। यही सब था जो भी था मैंने आपको दिखा दिया, और संकेत जो मैं अभी अभी बताया ना, फोन तो वैसे मैंने रख दिया, और बाहर का जो मौसम है वेदर भी बदल चुका है, और सूर्य के जो आसपास रिंग था वो भी शायद से हट चुका है, सूर्य ही नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग रिंग नहीं दिख रहा है अभी, और मौसम परिवर्तित हो गया है, थोड़ा थोड़ा बदरी जैसा हो गया है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता है, बस लाल वाली बटन को प्रेस करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा, और आपको फायदा ये रहेगा कि ना हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।